So welcome to GK Mojo. So today we are going to see part number 3 for numbers, which will be precisely be on trailing zeros and highest power. So a lot of questions, especially in the recent times in your aptitude examination, come on this topic. So I expect you to practice this question very well and understand the concept that we are going to take over here, which is very important. So let's jump on to the concept. So what is this concept of trailing zero or maximum power? So what they'll do is they'll just give you an arbitrary factorial, any factorial. They'll ask you how many zeros are there at the end of this factorial. Alright, now you will be confused how to find the answer. So basically this n factorial will be composing some 5s and some 2s. Alright. And the product of this 5 and 2 will give 1 0, right? It forms 10, so 1 0. So basically 2s will be abundant. There will be a lot of 2s because even a 2 has a 2, 4 has a 2, 6 has a 2, 8 has a 2, right? This is 2 into 2, 2 into 3, 2 into 2 into 2, correct? So there is no less 2s, alright? So agar hum log compare kare 5 or 2s mein, to koi bhi factorial mein 2 zyada rahenge. सो बेसिकली हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि जितने 5 रहेंगे उतने ही 5 इंटू 2 के पेयर्स बनेंगे, करेक्ट? सो उतने ज़ीरोज भी रहेंगे. सो बेसिकली एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है. सिंपल सी चीज़ है, बस हाई फाई नाम है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं. अगर मैंने लिखा 1.53 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1. ऑलराइट. सो अगर है 2.234 तो इसका भी होगा 2. सो जो भी ये इंटीजर होता है होल नंबर, वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ऑलराइट. फ्रैक्शन पॉइंट्स कभी नहीं आते, करेक्ट? सो अभी मैं आपको मेथड बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो और मैक्सिमम पावर वाला कंसेप्ट. सो इफ दे आस्क यू, अगर ऐसा पूछा है कि ये n फैक्टोरियल में हाउ मेनी ट्रेलिंग ज़ीरोज आर देयर, और व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ से एक्स दैट डिवाइड्स एन फैक्टोरियल. सो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, ये एन को ऐसे कैसे लिखो, ठीक है? पहले एक्स से डिवाइड करो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, वापस ये एन को लिखो और फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, वापस ये एन को लिखो फिर एक्स क्यूब से डिवाइड करो, ऐसा जब तक करो. ऑलराइट. और हर एक का क्वेश्चन लिखते जाओ, इसका क्वेश्चन Q1, इसका Q2, इसका Q3, इसका जो एडिशन आएगा ये आपका आंसर होएगा. वंस यू सी द एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट. सो लेट अस जंप ऑन टू द एग्जांपल स्ट्रेट अवे. सो हमने अभी इसका पूरा थ्योरी देख लिया है, विल सी हाउ द क्वेश्चन वर्क्स. व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 5 कंप्लीटली डिवाइड्स 1000. ऑलराइट. सो 5 का कितना मैक्सिमम पावर 1000 फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा? कुछ नहीं, 1000 को लिख दीजिए, डिवाइड बाय 5, क्वेश्चन आएगा 200. ऑलराइट. अभी क्या करिए, रादर देन टेकिंग दिस 200 एंड अगेन डिवाइडिंग इट बाय 5 स्क्वायर, ये 200 को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है? 200 अगेन डिवाइडेड बाय 5, क्वेश्चन आएगा 40, करेक्ट? अगेन ये 40 को यहीं पे ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 5, क्वेश्चन आएगा 8, ये 8 को यहाँ पे ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 5, क्वेश्चन आएगा 1. अभी इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 200 प्लस 40, 240, 248, 249. सो द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 विच कम्प्लीटली डिवाइड्स 1000 फैक्टोरियल इज 249, और जो ट्रेलिंग जीरोज है 1000 फैक्टोरियल्स में वो भी है 249. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्निक. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कम्प्लीटली डिवाइड्स 40 फैक्टोरियल. सो लेट्स जस्ट टेक 40 ओवर हियर, ठीक है? 40 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 20. ये 20 को इधर लेके गए, इसको वापस 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 10. इसको वापस इधर लेके गए, इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 5. इसको वापस ऊपर लेके गए, इसको डिवाइड किया 2 से, कितना आया? क्वेश्चन 2.
अभी ये वापस डिवाइड हो सकता है टू से, तो इसको यहाँ पे लेके गए, टू से डिवाइड किया, क्वेश्चन टाइम वन, सबको ऐड कर दो. नाउ वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड वन, राइट? सो 20 + 10 इज 30, 35, 37, 38. सो द मैक्सिमम पावर ऑफ टू विच कम्प्लीटली डिवाइड्स 40 फैक्टोरियल इज 38. सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सिमिलर टू द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन बिफोर, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. सो यहाँ पे पूछा है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 17 इन 100 फैक्टोरियल. तो अगेन 100 ले लो, 17 से डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या आएगा 5, 17 5 जर 85, क्वेश्चन आ गया 5, बचा कितना 15. ऑलराइट, सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 81 इन 30 फैक्टोरियल. अभी ये 81 ये प्राइम फैक्टर तो है नहीं, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. 81 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3 विच इज 3 to the power 4, करेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है, 30 फैक्टोरियल में 3 के हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, फिर उसको एडजस्ट करेंगे 3 to the power 4 में. तो क्या आएगा, पहले तो 10 आएगा क्वेश्चन, ऊपर जाएगा, वापस डिवाइड करेंगे, 3 आएगा क्वेश्चन, वापस डिवाइड करेंगे, 1 आएगा क्वेश्चन. ऑल राइट, तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 13 + 1 = 14, करेक्ट? अभी क्या करो, ये 14 को ना 4 से डिवाइड करके देखो, जो 3 का पावर है, क्या आएगा, 3 आएगा आपका क्वेश्चन. ऑल राइट, और 2 रिमाइंडर रहेगा. सो व्हाट इज़ दिस, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 3 to the power 4 × 3 × 3 square, करेक्ट? व्हाट इज़ दिस 3 to the power 4, इट इज़ 81³ × 3 square, करेक्ट? सो ये 3 square हमारे लिए यूजलेस है, हमको तो बस 81 का हाईएस्ट पावर चाहिए. तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 81, इट इज़ इक्वल टू 3, अंडरस्टूड? हमने 4 को डिवाइड किया उसको, तो वी गॉट 3 क्वेश्चन एंड 2 रिमाइंडर, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, 3 to the power 4 × 3 और इंटू 3 square आएगा, करेक्ट? सो 81 का हाईएस्ट पावर 3 ही रहेगा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल. कुछ नहीं, मैंने बोला था कोई भी फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो 5 और 2 का पेयर्स होना चाहिए उसमें. अभी 2 के तो अबंडेंट पेयर है, सो वी गॉट टू फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ 5 का पेयर, बिकॉज कम हो रहेगा तो उतने ही पेयर्स बनेंगे, करेक्ट? सो 100 / 5 क्वेश्चन आएगा 20, करेक्ट? ये क्वेश्चन को ही वापस 5 से डिवाइड करेंगे, अभी आएगा 4, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज देर आर 24 नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल. दिस इज जस्ट अ 5 to 6 second क्वेश्चन. वंस यू नो द कंसेप्ट यू कैन डू दिस वेरी वेल, एंड ट्रस्ट मी दिस इज कमिंग द एग्जामिनेशन इन दिस फॉर्म ऑल्सो. ऑल राइट, अगेन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 408 फैक्टोरियल. सो आई होप यू आर एबल टू डू दिस. 408 by 5 क्या आएगा, 5 8s are 5 1s are, ओके? सो 81, बाकी रिमाइंडर को छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट द रिमाइंडर. ये 81 को वापस इधर लो, डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा 16, करेक्ट? इसको वापस ऊपर लो, 16 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3, करेक्ट? अभी वापस डिवाइड हो सकता है 3 5 से, नहीं हो सकता है, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, विच विल बी 81 + 16 = 97 and 3 = 100. सो द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 408 फैक्टोरियल इज 100. सो यू सॉ, नाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट ट्रेलिंग जीरोज एंड मैक्सिमम पावर का डिवीजन फॉर एनी बिग नंबर ऑफ फैक्टोरियल फॉर दैट मैटर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 100, देन द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ पी आर. तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बोला था, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है पेयर्स ऑफ 2 × 5 पे, ये जितने पेयर्स बनेंगे उतने जीरोज बनेंगे. अभी प्राइम नंबर्स, पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कहाँ से चालू होते, 2 से, 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 एंड सो ऑन, करेक्ट? व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इज़ 1 विच हैज़ नो अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इट्सेल्फ एंड द नंबर 1. ऑल राइट, दैट इज़ अ प्राइम नंबर, जिसके कोई फैक्टर बन नहीं सकते. सो इफ़ वी सी 0 to 100 में बस 2 और 5 का एक ही पेयर आएगा, बाकी कोई नंबर का 5 और 2 आने ही नहीं वाला है, बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स, एवरी वन 3, 7, 13, 17 ऐसे ही रहेगा सब. सो इसमें बस एक ही पेयर बन रहा है, सो नंबर ऑफ़ जीरोज एट द एंड विल बी ओनली 1, करेक्ट? सो द नंबर ऑफ़ जीरोज
इफ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 100 विल बी 1 ओनली. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट अ वेरी ईजी सोल्यूशन फॉर इट. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कॉन्स क्लास. ऑलराइट, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. प्लीज विजिट अस एट gkmojo.com. थैंक यू.